हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का बैक नेक डिजाइन। इसका फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, कटोरी ब्लाउज पर मैंने इसका फ्रंट पार्ट बनाया है। अभी हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है, तो सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर देव है मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए इसी फिर सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन के 2 इंच भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक। देखिए, मेन फैब्रिक मेरा कट हो चुका है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच। देखिए, नेक की विथ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच। छोटा नेक है लेकिन हम डिजाइन बना रहे हैं जरी के फैब्रिक की। और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, ऐसा राउंड शेप दे देंगे और जैसे हमने मार्किंग की है डिजाइन की उसी के हिसाब से हमें ड्रॉ कर लेना है। ये डिजाइन हमें जरी के फैब्रिक की बनानी है। देखिए, इसी तरह से अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और उसको दोनों साइड से हमारे डिजाइन बराबर आने के लिए ऐसा थोड़ा थपथपा लेंगे, तभी हमारे दोनों साइड में बराबर डिजाइन आ जाएगी और उसको हम डार्क कर लेंगे। चौक से ही वो डिजाइन हमें डार्क कर लेनी है। देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के हिसाब से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है, तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले पूरे मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। इसलिए हमें पूरे मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक बराबर से अटैच कर लेना है। अब जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अस्तर का फैब्रिक हमारा मेजरमेंट के अनुसार कट किया है, इसीलिए हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हमें नेक के बराबर से स्टिच कर लेनी है, तो जो हमारा अंदर का नेक है उसी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया है उसी के ऊपर लाइन पर हम स्टिच कर लेंगे और नेक को हम कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से नेक को कट कर लेंगे। अब हमने जो जरी का फैब्रिक निकाल के रखा है उसको ज्वाइंट किया है, तो मेन फैब्रिक पर हमें रखना है राइट साइड पर रखेंगे और जो जरी है वो भी हमारी राइट साइड पर ही आनी चाहिए। इसी के हिसाब से रखेंगे और अच्छी तरह से बिठा लेना है। अब सबसे पहले अंदर का नेक हमें स्टिच कर लेना है जरी के फैब्रिक के साथ। इसे जरी के फैब्रिक के साथ हमें स्टिच कर लेना है और जैसे हमने नेक की डिजाइन निकाली है अच्छी तरह से बिठा लेना है नेक को। और जैसे हमने नेक को डिजाइन के ड्रॉ किया है उसी के ऊपर स्टिच करते हुए हमें पूरी डिजाइन स्टिच कर लेनी है। कॉर्नर बराबर से स्टिच कर लीजिएगा, तभी हमारे नेक की डिजाइन फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें स्टिच कर लेनी है डिजाइन के बराबर से ही। अब जो जरी का फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। सबसे पहले अंदर का नेक कट कर लेना है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए हमें बाहर के साइड से सिलाई के बराबर से नेक कट कर लेना है। जैसे हमने नेक की स्टिच की है उसी के बराबर रखते हुए हम कट कर लेंगे पूरे नेक को। देखिए, डिजाइन के बराबर से हमें नेक को कट कर लेना है। डिजाइन देखिए इसी तरह से कट हो चुकी है। अब हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है, तो मेन फैब्रिक की मैंने पट्टी रेडी करके रखी है, उरेब में ली है, तिरछे में ये पट्टी ली है और राइट साइड पर रखते हुए
बराबर नेक के कॉर्नर से उसको स्टिच कर लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच करनी है, तभी हमारी ब्लाउज की पाइपिंग अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनेगी। इसी तरह से पूरे नेक को हमने स्टिच कर ली है। पट्टी को पलटाते हुए हमें पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए स्टिच कर लेनी है। सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। देखिए इसी तरह से पूरी पाइपिंग हमें नेक के बराबर से अटैच कर लेनी है। आप चाहे तो कोई गोल्डन फैब्रिक की ले सकते हैं, लेकिन ये जरी का फैब्रिक का हमने डिजाइन किया है, तो मेन फैब्रिक की ही पाइपिंग अच्छे से दिखेगी, इसलिए मैंने मेन फैब्रिक की पाइपिंग बनाई है। आप चाहे तो लेस लगाते हुए फिनिशिंग दे सकते हैं। देखिए इसी तरह से हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब एक लेस लेते हैं और पूरे डिजाइन के बराबर से हमें अटैच कर लेना है लेस को। जैसे हमने जरी का फैब्रिक डिजाइन के बराबर से कट किया है, उसी के हिसाब से लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। कॉर्नर से लेस को बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा। देखिए कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लेना है। फिनिशिंग के साथ हमें फोल्ड कर लेनी है लेस को, तभी हमारी लेस की फिनिशिंग आएगी नेक की अच्छी तरह से। इसी तरह से पूरे नेक को हमें लेस अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमने लेस अटैच कर ली है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी एक स्टिच कर लेंगे, तभी हमारी लेस अच्छे से बैठ जाएगी। देखिए इसी तरह से लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच करते उसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेस देते हुए बैक पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेस दे देंगे। दोनों साइड के बैक पार्ट की प्लेट दे देनी है 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए, और नीचे से फैब्रिक को हम सीधा करते हुए थोड़ा छाट लेना है और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टे में ही लीजिएगा, और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे, और जो फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है फिनिशिंग के साथ। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।